हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। और आज 26 अक्टूबर 2018, हम लोग 26 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगी और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी PDF एक साथ मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के जुड़ने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली वहां से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन रखिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल के जो क्विज में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके राइट आंसर का। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में संपन्न हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में विजेता कौन है। ठीक है, यानी कि जो हाल ही में संपन्न हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी 2018, उसमें कौन सा जो शहर था उसने जीता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा मुंबई, यानी कि मुंबई ने जीत हासिल की है। अब बात आती है कि किसको हराकर इसने जीता, तो ये दिल्ली को हराकर इसने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों उप विजेता दिल्ली रहा और विजेता मुंबई रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर्स उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है कि किस राज्य ने हाल ही में ग्लाइफोसेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब ने ग्लाइफोसेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपके दिमाग में झट से आया होगा कि ग्लाइफोसेट है क्या। तो देखिए, ग्लाइफोसेट एक प्रकार का हर्बिसाइड है, यानी कि इसके जो प्रयोग से क्या होता है कि फसलों में जो उगने वाले खत परवार होते हैं, यानी कि घास फूस होते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए मदद होता है। ठीक है, अब इससे हानि भी होती है, जैसे कि कैंसर पैदा करने वाली जो सामग्री होती है इसमें मौजूद होती है, जो कि मानव DNA को नुकसान पहुँचाता है, तो जिसकी वजह से इसको प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब के बारे में। देखिए, पंजाब की जो राजधानी है वो आपका होता है चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर है। ठीक है, अब यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के वर्तमान में जो CM है उनका नाम है अमरिंदर सिंह। क्लियर है। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ के जो सीटों का विवरण किस प्रकार का किया गया। तो विधानसभा में कुल सीटों का जो विवरण है 117 है विधानसभा में। वहीं पर बात करें कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कुल सीटों का संख्या दिया गया 7 और लोकसभा में कुल सीटों प्राप्त हुआ 13। ठीक है, तो ये हमारा था पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आई होप कि आपको आज की ये जो पहला क्वेश्चन था अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और वो भी कुछ नया सीखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का। देखिए, सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित कई ईमर्स कंपनियों को नकली उत्पाद बेचने पर नोटिस भेजा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा भेजा गया है इसका पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि DCGI के द्वारा। अब आप सोच रहे हो कि DCGI है क्या, तो देखिए DCGI कहने का मतलब कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स जितने भी कंपनियाँ, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये सब जितने भी कंपनियाँ, उसको नकली उत्पाद बेचने के लिए एक नोटिस भेजा है। नकली उत्पाद जो बेच रहे थे उन पर एक नोटिस भेजा गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग अमेजन के बारे में। तो देखिए, अमेजन की जो स्थापना हुई थी वो 1994 यानी कि 1994 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे या फिर इसके मालिक हैं, तो जेफ बेजोस थे, जो कि दुनिया के वर्तमान में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो अमेजन का जो मुख्यालय है वो आपका सिएटल यानी कि Washington DC में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट के बारे में। देखिए, फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी, फिलहाल में की गई थी, यानी कि 11 वर्ष पहले। अब बात करते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे सचिन बंसल और विनी बंसल, ये दो लोगों ने इनको मिलकर के स्थापित किया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होगी। दोस्तों, वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि वीडियो के बगल में नीचे टाइटल होता है, उसके बगल में आपका इस तरह का फिगर होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है, और इस समूह का अध्यक्ष कौन है, यानी कि इस समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजनाथ सिंह को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस समूह में जो कि अन्य जो सदस्य हैं यानी कि मंत्री कौन कौन है। देखिए, सबसे पहले आते हैं सड़क परिवहन मंत्री, जो कि नितिन गडकरी जी। ठीक है, नितिन गडकरी जी हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड नंबर पर, तो निर्मला सीतारमन, जो कि रक्षा मंत्री हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक और मंत्री आती हैं कि महिला बाल विकास मंत्री, जिनका नाम है मेनका गांधी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ से सारी क्वेश्चंस क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, नेक्स्ट प्रश्न, कि इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज AIAI, ठीक है, ने भारत के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 777 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता हुआ है। और ये समझौते के तहत क्या हो कि भारतीय नौसेना को हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक 8, ध्यान रखिएगा कि बराक 8 मिसाइल की आपूर्ति करेगा, ठीक है, यानी कि इसराइल और भारत के बीच बराक 8 मिसाइल की एक दूसरे से समझौता हुआ है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ बात करते हैं कि IAI यानी कि इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसकी इसराइल की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, ये ध्यान रखना है कि IAI जो है आपका इसराइल की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी और रक्षा कंपनी है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसराइल के बारे में, तो इसराइल की राजधानी क्या होती है, तो इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू स्केल, ठीक है, न्यू स्केल। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो सिमोन पेरेजे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही फेमस है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी साथ कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी पर्सनली चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत करेंगे, ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल आईडी है niranjan.nikki, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि 25 अक्टूबर को कौन सी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर की है, ठीक है, यानी कि 5G स्मार्टफोन पहली बार बनाने वाली जो मोबाइल कंपनी किसने लॉन्च किया, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि Xiaomi, ठीक है, Xiaomi जो मोबाइल कंपनी है वो, और ये किस देश की कंपनी है, तो ये चीन की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और इसी ने Xiaomi ने सबसे पहले 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया, तो इसको ध्यान रखना आपको। और बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात कर लिया है, लगभग हमको लगता है कि डेली हम लोग बात कर ही लेते हैं चीन के बारे में, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए राजधानी होती है बीजिंग, और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, तो Xi Jinping, और प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं Li Keqiang। आई होप कि आपको आज पूरे अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य त्यौहार उद्भव उत्सव 2018 की मेज़बानी की है, यानी कि किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य त्यौहार उद्भव उत्सव 2018 की मेज़बानी की है, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। अब बात आती है ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है, तो ग्वालियर आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है और या फिर एक शहर है। अब बात करते हैं कि मुख्य अतिथि इस जो मेज़बानी हुई, यानी कि उद्भव उत्सव 2018 के जो सम्मेलन हुआ या फिर इस नृत्य के त्यौहार में कहें, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर हरीश कुमार जो थे वो इस जो उद्भव था उत्सव था इसके मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि हाल ही में खबरों में रहा स्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वीप कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्वीप कार्यक्रम है क्या, तो देखिए स्वीप का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन, कहने का मतलब कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन, ठीक है, अब इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसको जानना आपको जरूरी है कि चुनाव आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात वोटर्स की आई तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वोटर्स तो कौन करेंगे, तो चुनाव आयोग ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर जिला है वहाँ पर चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत छात्रों को मतदाता सूची में पहली बार नाम दर्ज कराने के लिए पैरारूटर या फिर हॉट बैलून को सफ़र कराया फिलहाल में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चुनाव आयोग के बारे में, तो देखिए चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था या फिर स्थापना हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी कि 1950 ईस्वी को आपका चुनाव आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आयोग में क्या होता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि फिलहाल में अगर हम लोग बात करें कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो ओम प्रकाश रावत हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तथा अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कि कुल 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आपका अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सीबीआई का निर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि सीबीआई का अंतरिम निदेशक, यहाँ पर अंतरिम छूट गया, अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए एम नागेश्वर राव जो है यहाँ का ऑप्शन बी होगा इसका, एम नागेश्वर राव को यहाँ पर अंतरिम जो निर्देशक सीबीआई के हैं उनको नियुक्त किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीबीआई के बारे में, तो देखिए सीबीआई का जो स्थापना हुई था 1963 ईस्वी को की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष जो है आलोक वर्मा आपके इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि 27 अक्टूबर 2018 को घोंघा दाहेज
यानी कि रो पैक्स फेरी सेवा, ठीक है, घोंगा दहेज रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात, गुजरात में किया जाएगा। और फेरी सेवा जो है शिपिंग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के एक हिस्सा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो देखिए गुजरात की जो राजधानी होती है आपका होती है गांधीनगर, और इस राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 मई 1960 ईस्वी को किया गया था, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है ओपी कोहली, ठीक है। अब हमारा यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है जो कि विजय रूपाणी, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपाणी। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी मिली है, तो 182 विधानसभा में कुल सीटों की संख्या दी गई है, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 11 और लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 26 गुजरात को मिली है। तो ये थी गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए आज के देख लेते हैं क्यूज का प्रश्न आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ। तो ये देखिए आज का क्यूज का प्रश्न ये है कि हाल ही में आरबीआई ने संदीप बख्शी को, ठीक है, किस बैंक के एमडी और सीईओ पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपको याद होगा या अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर याद होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।